हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं फुटबॉल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। यह फुटबॉल का पार्ट टू है, पार्ट वन भी आप देख लीजिएगा। पार्ट वन पार्ट टू देखने के बाद फुटबॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, इसी बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं, थ्योरी सेशन, टॉपिक वाइज, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, सभी चीज़ों को आप चैनल पे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट कीजिए और उसको अध्ययन कीजिए। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, फुटबॉल खेल में हेड पॉस के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन गतिविधि यानी मूवमेंट प्रदर्शित किया जाता है। तो जब आप हेड पास करते हैं तो जो हमारा गर्दन होता है वो ऊपर नीचे होता है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खेल में खेलते समय कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, फुटबॉल ऐसा गेम है जिसमें कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है कि सॉकर खेल में टीम द्वारा कितने टाइम आउट लिया जा सकता है, तो एक भी टाइम आउट नहीं लिया जा सकता। एंड इस प्रकार से भी पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता, तो फुटबॉल में, मतलब किसी भी प्रकार से आपको घुमा के वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है, फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद खेल में यानी कि प्ले इन में होता है, तो कब होता है गेंद प्ले इन में? तो गेंद को अपने परिधि पर दूर आ जाने पर वो प्ले इन में यानी कि खेल में होता है। यानी कि दोस्तों, फुटबॉल खेल में जब गेंद गोल लाइन को छू ले, टच कर दे, तो यानी कि जमीन के संपर्क में या इसके ऊपर हवा में या पुरतः पार कर जाए, तो गेंद खेल के बाहर यानी बॉल आउट ऑफ प्ले माना जाता है। जब ग्राउंड के बाहर हो जाए तो ऐसी स्थिति में रेफरी द्वारा खेल रोक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मैदान में हमेशा गेंद खेल में यानी प्ले इन में ही होता है। खेल के प्रारंभ में जब गेंद अपने परिधि भर दूर आगे जाती है, अर्थात किक ऑफ लेने पर गेंद स्पष्ट रूप से स्थान परिवर्तन कर दे, तो इसे खेल में मान लिया जाता है। किक ऑफ लेने वाला खिलाड़ी गेंद पर दोबारा प्रहार तब तक नहीं कर सकता जब तक कि दूसरे खिलाड़ी द्वारा उसे खेल न लिया गया हो या टच न कर लिया गया हो। नेक्स्ट दोस्तों, रुड़ गुल्लिक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रुड़ गुल्लिक शब्द किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? तो दोस्तों, सेफील्ड फुटबॉल क्लब फुटबॉल का सबसे पुराना क्लब है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1897 को किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब, भारत का पूछ रहा है, ठीक है, सेफील्ड फुटबॉल क्लब आपका विश्व स्तर पर है, तो भारत का सर्वाधिक फुटबॉल क्लब कौन सा है दोस्तों? तो डलहौजी क्लब। कौन सा क्लब है? डलहौजी क्लब, यानी कि डलहौजी एथलीट क्लब की स्थापना 1880 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। इसे भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब माना जाता है। एंड फुटबॉल से रिलेटेड मोहन बगान एथलेटिक क्लब की स्थापना 1889 में हुआ था। यानी पूछ सकता है कि मोहन बगान क्लब किससे रिलेटेड है? तो फुटबॉल से। फुटबॉल खेल विशेषज्ञों के विचार से फुटबॉल रोम का एक प्रसिद्ध खेल था, लेकिन आधुनिक फुटबॉल इंग्लैंड में ही विकसित हुआ है। एंड इससे रिलेटेड जो है आपका 1904 में फीफा यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ
और 1930 में फुटबॉल का प्रथम विश्व कप खेला गया। 1951 में फुटबॉल को एशियाई खेल में शामिल किया गया। 1908 में ओलंपिक में शामिल किया गया एंड 1951 में एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था फुटबॉल में एंड 1956 के ओलंपिक खेलों में भारत एशिया का पहला ऐसा देश था जो फुटबॉल की प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंचा था। आप ये भी जान लीजिए कि फुटबॉल जो है भारत की तरफ से फुटबॉल सबसे पहली बार खेलने गया था 1948 में लंदन में, दूसरी बार खेला 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में, तीसरी बार खेला 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में जिसमें भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर। भारत पहली व आखिरी बार ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहा 1956 मेलबोर्न में, उसके बाद चौथा बार भाग लिया 1960 रोम इटली में, लगातार चौथे बार भाग लिया, ठीक है, इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया और इसके बाद भारतीय फुटबॉल आज तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन है, तो डलहौजी क्लब। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का गठन किस वर्ष किया गया, तो दोस्तों फीफा का गठन जो है कब किया गया, तो फीफा का गठन 21 मई 1904 को किया गया, 21 मई 1904 को किया गया। फीफा का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि ये विश्व स्तर पर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों का संचालन करता है और 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर था है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। प्रथम अध्यक्ष सिगुरिन फ्रांस के एंड वर्तमान अध्यक्ष यानी इन्फेंटिनो स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट, डुरंड कप प्रतियोगिता किस खेल से रिलेटेड है, तो दोस्तों डुरंड कप प्रतियोगिता जो है फुटबॉल टूर्नामेंट भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है एंड डुरंड कप 1888 शिमला में प्रारंभ किया गया एंड 1888 से 1940 तक ये शिमला में ही आयोजित होता रहा डुरंड कप, लेकिन 1940 के बाद यह अब दिल्ली में आयोजित होता है। यह भारत की सबसे पुरानी प्रतियोगिता और विश्व में सबसे पुराने स्थान पर दूसरा स्थान पर यह है एंड इसके अलावा दोस्तों इसमें है फुटबॉल के अन्य टूर्नामेंट में चकोला गोल्ड ट्रॉफी, सुब्रतो कप एंड फीफा कप, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप, मर्डेका कप, एशिया कप, रोवर्स कप, आईएफए शील्ड कप, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, फेडरेशन कप, सैफ कप, नेहरू कप, कोपा कप, बीसी राय ट्रॉफी। नेक्स्ट है, रोवर्स कप किस खेल से रिलेटेड है, तो फुटबॉल से एंड नेक्स्ट है निम्न में से फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है दोस्तों, तो फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है डुरंड कप। कौन है, डुरंड कप, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी का संबंध है तो फुटबॉल से है एंड नेक्स्ट है डुरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, नेहरू कप किससे संबंधित जुड़ा हुआ है, तो नेहरू कप दोस्तों जुड़ा हुआ है फुटबॉल से, किससे जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है नेहरू कप में। नेहरू कप कहेगा तो फुटबॉल से, नेहरू ट्रॉफी रहेगा तो हॉकी में होगा, ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूजन ना होइएगा। एंड नेक्स्ट है, चकोला गोल्ड ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो चकोला गोल्ड ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। एंड कोपा कप किससे रिलेटेड है, तो कोपा कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है। एंड डीसीएम कप किससे रिलेटेड है, तो डीसीएम कप फुटबॉल से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है कि फुटबॉल यानी सॉकर के खेल में पेनाल्टी किक लेने का स्थान गोल से कितने गज की दूरी पर होता है। तो गोल लाइन से पेनाल्टी किक जो है कितने गज की दूरी पर होता है, गज में पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गज, यही मीटर में कितना हो जाएगा 11 मीटर, ठीक है। और इसके अंतर्गत इसमें शब्दावली में है पेनाल्टी किक, फ्री किक, गोल किक, कॉर्नर किक बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है पेनाल्टी किक किस खेल से रिलेटेड है, तो फुटबॉल से। अन्य फुटबॉल से रिलेटेड शब्दावलियां हैं दोस्तों, जिससे बार बार पूछा जाता है कि पेनाल्टी किक फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से संबंधित अन्य शब्दावलियां हैं पेनाल्टी किक, मिडफील्ड, सेंटर, स्ट्राइकर, पास, बैक पास, कॉर्नर, फॉरवर्ड, इनडायरेक्ट किक, फ्री किक, ड्रिबल, एक्स्ट्रा टाइम, फाउल, गोल, ऑफ साइड, सीजर्स किक, बनाना किक, विंगर, स्वीपर, बैक थ्रो इन, वॉली, टच लाइन, टाई ब्रेकर, सडन डेथ, कॉर्नर किक, कॉर्नर फ्लैग, फिस्ट, फर्स्ट आफ्टर हाफ, सेकेंड हाफ, लॉन टैकल, हैट्रिक, चीफ, फेयर चार्ज, क्रॉस किक ऑफ, गोल किक ऑफ, टोटल फुटबॉल, गोल्डन गोल, गोल्डन बूट। नेक्स्ट है उसी पर आधारित कि स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो स्ट्राइकर है फुटबॉल से रिलेटेड। जहां भी दोस्तों फुटबॉल में आपको पहचानने का ट्रिक यही है कि जहां पे किक शब्द आए तो वो हमेशा फुटबॉल पे ही रहेगा, किक। नेक्स्ट है कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। नेक्स्ट है फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो यहां पे दिया हुआ है कि कॉर्नर किक के समय विपक्षी किसी भी दूरी पर खड़े हो सकते हैं, नहीं थ्रो इन से सीधे गोल किया जा सकता है, नहीं दोस्तों थ्रो इन से सीधे गोल नहीं किया जा सकता, किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता, तो किक ऑफ से सीधे गोल किया जा सकता है बट थ्रो इन से सीधे गोल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बी ऑप्शन का राइट होगा कि फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है। फुटबॉल मैच में कितने रेफरी द्वारा निर्णय होता है, एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है। दोस्तों फुटबॉल मैच में निरीक्षण करने वाले अधिकारियों में एक रेफरी होता है, दो लाइनमैन एंड एक टेबल अधिकारी होता है। फुटबॉल मैच में निर्णय रेफरी द्वारा होता है। फुटबॉल का जो समय होता है 90 मिनट का होता है। खेल टाइम यानी 45-45 मिनट के दो हाफ में बटा होता है। और मध्यांतर जो होता है 15 मिनट का होता है। एंड गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट और चौड़ाई 8 गज होता है। नेक्स्ट है फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में निम्न में से कौन सा कार्य करता है, तो दोस्तों फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में रेफरी काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है, तो किसके द्वारा कराता है दोस्तों, तो पेनाल्टी किक के द्वारा, ठीक है। जब फुटबॉल खेल में अतिरिक्त समय दिया जाता है 15-15 मिनट के अतिरिक्त समय दिए जाने पर भी मैच बराबर रहता है तो 5-5 मिनट के पेनाल्टी किक दिए जाते हैं दोनों पक्षों को। यह क्रम तब तक जारी रखा जाता है जब तक ग्रंथि न टूटे। नेक्स्ट है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल टीम में प्रत्येक पक्ष में खेलने वाले खिलाड़ी 11-11 होते हैं और 5 अतिरिक्त होते हैं, तो 11-5 कितनी हुई 16, तो 16 खिलाड़ी यहाँ पे होते हैं। और इसमें 3 स्थानापन्न होते हैं। वैसे तो यहाँ पे दिया गया है कि फीफा के अनुसार
आधिकारिक प्रतियोगिताओं में फुटबॉल की टीम की खिलाड़ियों की संख्या 11 है तथा अधिकतम 5 स्थानापन्न हो सकते हैं। हालांकि नए नियम के अनुसार 3 से 12 स्थानापन्न खिलाड़ी नामित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों, फुटबॉल में खेल 90 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का होता है, ठीक है। 45-45 मिनट के दो हाफ में होता है एंड हाफ के पश्चात 15 मिनट का मध्यांतर होता है, जो निर्णायक की सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। खिलाड़ी बदलने में तथा किसी आकस्मिक क्षति आदि के कारण लगा समय खेल के लिए निर्धारित समय में नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फुटबॉल के खेल में कितने नियम होते हैं? तो फुटबॉल के खेल में 17 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 17 नियम होते हैं फुटबॉल के खेल में। इसमें 17 नियम में से खेल का मैदान, बॉल, खिलाड़ी, खिलाड़ी के उपकरण, रेफरी, अन्य खेल अधिकारी, खेल का समय एंड खेल का आरंभ, पुनः आरंभ, खेल में बॉल इन और बॉल आउट, खेल के परिणाम का निर्धारण, ऑफ साइड, बार बार पूछा जाता है ऑफ साइड किस खेल से रिलेटेड है, तो फुटबॉल से, फाउल एवं कदाचार, फ्री किक, पेनाल्टी किक, थ्रो इन, गोल किक, कॉर्नर किक, ये 17 नियम हैं। नेक्स्ट है, शब्द नौ दंड अपराध किस खेल से संबंधित है? तो नौ दंड अपराध जो है फुटबॉल खेल से रिलेटेड है। ये होता क्या है नौ दंड अपराध, थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि शब्द नौ दंड अपराध यानी 9 पेनल ऑफेंसेस फुटबॉल के खेल से नियमित संबंध है। इनमें से 4 हाथ से संबंधित अपराध है, यानी कि जैसे कि हाथ से संबंधित अपराध में गेंद की हैंडलिंग करना, प्रतिद्वंदी को पकड़ना, धकेलना, मारना आदि शामिल है एंड 2 शरीर से संबंधित एंड 3 पैर से संबंधित अपराध या दुर्व्यवहार है। यानी 4 हाथ से संबंधित, 2 शरीर से संबंधित, 3 पैर से संबंधित अपराध, इस प्रकार 9 दंड अपराध फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, किस खेल के खिलाड़ी द्वारा सीन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो फुटबॉल के खिलाड़ी में सीन गार्ड का यानी पिंडली गार्ड, रक्षक का प्रयोग किया जाता है। अन्य तत्व हैं इसमें किक मारना, किक के बहुत सारे कौशल हैं जैसे इन स्टेप किक, आउट स्टेप किक, टो किक, टच चीप किक, पंट किक, ड्रॉप किक, सीजर किक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल के में गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों, तो फुटबॉल में गेंद का वजन 396 से 403 पर ग्राम होता है। 396 से 453 ग्राम होता है एंड दोस्तों, गेंद की परिधि जो है वो 27 से 28 इंच होती है, यानी 27 से 28 इंच गेंद की परिधि होती है। 27 से 28 इंच यानी कि 68 से 70 सेंटीमीटर। और गेंद में हवा का दबाव जो होता है 0.66 से 1.1 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हवा का दबाव होता है। एंड दोस्तों, इसमें फुटबॉल खेल की लंबाई चौड़ाई मीटर में 90 से 120 मीटर होता है और गज में 100 से 130 गज लंबाई होता है एंड चौड़ाई 45 से 90 मीटर में होता है और गज में 50 से 100 गज। अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात करें तो गज में लंबाई चौड़ाई होता है 12 × 80 से 110 × 70 गज। मीटर में कहें तो 110 × 75 से या 100 × 64 मीटर होता है। और फुटबॉल में जो ग्राउंड मार्किंग की जाती है उसकी लाइन की मोटाई 5 इंच यानी कि 12.5 सेंटीमीटर होता है और मध्य वृत्त का अर्ध व्यास जो है 10 गज यानी कि 9.15 मीटर होता है। नेक्स्ट है, फुटबॉल का वजन कितना होता है? तो 396 से 453 ग्राम। नेक्स्ट है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना किस देश के हैं? तो दोस्तों, यह अर्जेंटीना के हैं। डिएगो मैराडोना किस देश के हैं? अर्जेंटीना के। विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का जन्म कहाँ पे हुआ था? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में लानूस नामक शहर में 30 अक्टूबर 1960 को हुआ था। फीफा प्लेयर
ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार के लिए उन्हें इंटरनेट मतदान में पहला स्थान मिला और उन्होंने पहले के साथ पुरस्कार में साझेदारी की। वे नवंबर 2008 में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रमुख कोच बने। फिर वही क्वेश्चन, फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना संबंधित हैं तो अर्जेंटीना से, कहाँ के थे? अर्जेंटीना के। नेक्स्ट दोस्तों, फुटबॉल खेल में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे? तो दोस्तों थ्रो इन के समय 2 गज की दूरी पर खड़े होते हैं। कितने गज की? 2 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की? ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी जो होते हैं कितनी दूरी पर खड़े होते हैं? तो 2 मीटर की दूरी पर, यानी 2.2 गज की दूरी पर खड़े होते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सही नहीं है, कोई भी आंसर सही नहीं है। कितना होता है? 2 मीटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल में पेनाल्टी किक स्पॉट, यानी पेनाल्टी किक स्पॉट जो होता है कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? तो फुटबॉल में जो पेनाल्टी स्पॉट होता है, पेनाल्टी किक स्पॉट, वो सेंटर लाइन से, एंड लाइन से 12 गज की दूरी पर होता है। जो गोल एरिया का एंड लाइन होता है उससे 12 गज की दूरी, यानी कि मीटर में 11 मीटर की दूरी पर होता है। दोनों में याद रखिएगा। नेक्स्ट, फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों अनजाने में बाल छूने पर उसको प्रत्यक्ष किक नहीं दिया जाता है। और कब दिया जाता है? विरोधी को धक्का देने पर, विरोधी को मारने पर, विरोधी के ऊपर कूदने पर दिया जाता है। अनजाने में बाल हाथ से टच हो गया तो उसे नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि फुटबॉल खेल में जानबूझकर किए गए निम्नलिखित 9 नियमों का उल्लंघन फाउल माना जाता है। कैसे, कौन कौन से 9 नियम हैं? पहला है किसी विरोधी को लात से मारना तथा लात मारने का प्रयत्न करना, एंड विरोधी को लंगड़ी देना, एंड विरोधी से खतरनाक ढंग से टकराना, एंड किसी विरोधी से पीछे से टकराना, एंड विरोधी पर कूदना, विरोधी को मारना, एंड विरोधी को पकड़ना, विरोधी को धक्का देना, गेंद को अपने हाथ अथवा भुजा से रोकना अथवा खेलना, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता है? तो दोस्तों सबसे अधिक बार जीता है विश्व कप फुटबॉल ब्राजील ने। किसने जीता है? ब्राजील ने। अब तक 5 बार ब्राजील ने जीता है, अब तक 5 बार। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है 1930 उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में शुरू हुआ। कब हुआ? उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में शुरू हुआ फीफा वर्ल्ड कप, प्रथम फीफा वर्ल्ड कप। एंड दोस्तों 2012 जो है फीफा वर्ल्ड कप, 22वां पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा कतर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दोहा कतर में। और 2022 का विजेता है अर्जेंटीना। 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, यानी कि ब्राजील अभी तक में 5 बार जीता है, इटली 4 बार, जर्मनी 4 बार, अर्जेंटीना 3 बार, ये तीसरा बार था, एंड फ्रांस 2 बार, उरुग्वे 2 बार, एंड इंग्लैंड 1 बार जीता है, और स्पेन 2010 में 1 बार जीता है। नेक्स्ट, फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देख सकते हैं? दोस्तों फुटबॉल में गोल पोस्ट जो है सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है फुटबॉल में 8 फीट, यानी कि 2.44 मीटर, एंड चौड़ाई होता है गोल पोस्ट की 8 गज, यानी 7.32 मीटर, और गोल पोस्ट का व्यास 5 इंच, यानी 12.5 सेंटीमीटर, एंड रंग सफेद होता है। नेक्स्ट, फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों लंबाई होती है 90 से 120 मीटर। कितना होता है? 90 से 120 मीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फुटबॉल खेल की लंबाई 90 से 120 मीटर, यानी गज में 100 से 130 गज होता है, चौड़ाई 45 से 90 मीटर, गज में 50 से 100 गज होता है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में
इसकी लंबाई फुटबॉल की 100 से 110 मीटर यानी कि गज में 110 से 120 मीटर एंड चौड़ाई 64 से 75 मीटर यानी कि गज में 70 से 80 गज होती है। गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट यानी 2.44 मीटर, चौड़ाई 8 गज यानी 7.32 मीटर होता है। नेक्स्ट है फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र कितना होता है। तो दोस्तों फुटबॉल मैदान में जो गोल एरिया होता है, गोल क्षेत्र, वह 6 गुणे 20 गज का होता है। कितना होता है? 6 गुणे 20 गज का होता है यानी कि 5.5 मीटर गुणे 8.32 मीटर। नेक्स्ट है पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। तो पहले दोस्तों फुटबॉल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ठीक है, एंड दोस्तों पहले ब्राजील के थे। पहले कहाँ के थे? पहले ब्राजील के थे। रोनाल्डो भी ब्राजील का था एंड मैराडोना जो है अर्जेंटीना के थे। लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीना के हैं एंड डेविड बेकहम जो है इंग्लैंड के हैं और डिजॉन जो है फ्रांस के हैं। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है फुटबॉल में ब्राज़ील के लिए पहले कितनी बार खेले हैं। तो दोस्तों फुटबॉल में ब्राज़ील के लिए पहले 111 बार खेले हैं, ठीक है, और जिसमें उन्होंने 97 गोल किए थे। नेशन इनमें से किन देशों ने 1930 से आरंभ हुए वर्ल्ड कप साकर चैंपियनशिप की खिताब 3-3 बार जीते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन देश जीता है 3-3 बार। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है कि 3-3 बार कौन जीता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कप फुटबॉल में ब्राज़ील 5 बार जीता है, उसके बाद इटली 4 बार, जर्मनी 4 बार, अब 3 बार ओनली अर्जेंटीना जीता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन पेले के नाम से जाना जाता है, रोनाल्डो की, रिवाल्डो की, मैराडोना। तो इसमें कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं माना जाता, क्योंकि पेले का वास्तविक नाम था, पेले का वास्तविक नाम एडसन अरांटेस डे नासिमेंटो, इसको याद रखिएगा। पेले का वास्तविक नाम था एडसन अरांटेस डे नासिमेंटो। नेक्स्ट है वेम्बले स्टेडियम लंदन जुड़ा हुआ है, तो किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। वेम्बले स्टेडियम लंदन में स्थित फुटबॉल स्टेडियम है, इसकी क्षमता जो है 90,000 है। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में इस स्टेडियम ने फुटबॉल मैचों की क्या की थी? मेजबानी की थी। नेक्स्ट है फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु दिखाया जाने वाला कार्ड होता है। तो फुटबॉल मैच में चेतावनी के लिए पीला कार्ड दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है कि फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु पीला कार्ड दिखाया जाता है। प्रथम बार रेफरी द्वारा यह कार्ड दिखाया जाना इस बात को इंगित करता है कि आधिकारिक तौर पर खिलाड़ी को आगाह कर दिया गया है। इसके बाद खिलाड़ी का विवरण एक छोटे से नोटबुक में दर्ज कर लिया जाता है। ऐसे खिलाड़ी जिसे एक बार पीला कार्ड दिखाया गया हो वह खेल जारी रख सकता है, किंतु दोबारा ऐसा होने पर उसे खेल से वंचित कर दिया जाएगा। यहाँ पे दो पीला कार्ड दिखाने का मतलब वो अपने आप लाल कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीता था। तो ईरान देश को हराकर प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने ईरान को हरा करके जीता था, ईरान को हरा करके जीता था। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 के मध्य नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इन खेलों में 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इन खेलों में भारत ने ईरान को 1-0 से पराजित करके फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता था। नेक्स्ट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कि ऑफ साइड का नियम किस खेल से संबंधित है, तो ऑफ साइड का नियम फुटबॉल खेल से संबंधित है ये शब्दावली। एंड अन्य शब्दावलियां हैं फुटबॉल में ऑफ साइड का नियम फुटबॉल से संबंधित है। यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध खेल है फुटबॉल, जो विश्व के सबसे ज्यादा देशों में के मध्य खेला जाता है। एंड यह विश्व में फीफा द्वारा संचालित होता है। ऑफसाइड नियम के अनुसार दोस्तों, खेलों ऑफसाइड नियम के अनुसार आगे का खिलाड़ी गेंद के बिना दूसरे बचाव खिलाड़ी के आगे नहीं जा सकता। आगे का जो खिलाड़ी है बिना गेंद के दूसरे बचाव खिलाड़ी आगे नहीं जा सकता। अगर कोई खिलाड़ी सभी विपक्षी खिलाड़ियों से आगे निकल जाए और गेंद उसको पास ही जाए तो उसे ऑफ साइड करार दिया जाता है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी पीके बनर्जी थे। कौन थे? पीके बनर्जी थे। यह पुरस्कार पीके बनर्जी को 1961 में प्रदान किया गया। 1962 और 63 में यह पुरस्कार क्रमशः 62 में तुलसी बलराम को एंड 63 में चुन्नी गोस्वामी को दिया गया। कई बार पूछा जाता है कि तुलसी बलराम या चुन्नी गोस्वामी किस खेल से रिलेटेड है, तो यह है फुटबॉल से। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के विरुद्ध मैराडोना ने शतक का गोल किया? किस देश के विरुद्ध? तो यहाँ पे आपको देखना है तो इंग्लैंड के विरुद्ध। किस देश के विरुद्ध मैराडोना ने शतक का गोल जीता था? तो इंग्लैंड के बीच। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना 22 जून 1886 को खेले गए विश्व कप फुटबॉल मैच के क्वार्टर फाइनल में अपना 100वां गोल इंग्लैंड के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट है, 2014 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को एडिडास गोल्डन बॉल पुरस्कार से नवाजा गया? तो 2014 की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी ने। दोस्तों 2014 फीफा फुटबॉल क्लब में गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी ने जीता। अब गोल्डन बूट जेम्स रोड्रिग्वेज स्पेन को प्रदान किया गया। और 2018 में फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल लुका मेड्रिक और गोल्डन बूट पुरस्कार हैरी केन को दिया गया। एंड दोस्तों 2022 जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया है किलियन एम्बाबे को, जो फ्रांस के हैं। 8 गोल किए हैं, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल में खिलाड़ी को गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है। तो किलियन एम्बाबे ने 8 गोल किए हैं और लियोनेल मेसी ने 7 गोल किए हैं 22वां फीफा वर्ल्ड कप दोहा कतर में। एंड गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना के कप्तान भी हैं फुटबॉल के। एंड गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। एंड गोल्डन ग्लव पुरस्कार सबसे बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है, जो 2022 में एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना को दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पे साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता है, कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम कोच्ची है, तो सम्मिलित कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है बाराबंकी स्टेडियम भुवनेश्वर, ये बाराबंकी स्टेडियम भुवनेश्वर नहीं है, यह कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है, इसलिए आपका 2 नहीं होगा, गलती हो जाएगा। और कौन है? तो साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता एंड कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम कोच्ची, यानी 1 और 3 यहाँ पे राइट है। कौन राइट है? 1 और 3 यहाँ पे राइट है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है बाराबंकी स्टेडियम कटक उड़ीसा में स्थित है, जबकि साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता पश्चिम बंगाल और कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम केरल कोच्ची में स्थित है। कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम को जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम भी कहा जाता है।
तो दोस्तों ये था आज के सेशन में फुटबॉल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यही क्वेश्चन आते हैं बार बार घुमा करके। दो पार्ट है फुटबॉल का क्वेश्चन, मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। इन दो पार्ट्स के अतिरिक्त कुछ भी बाहर से नहीं पूछेगा, तो दोनों पार्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि फुटबॉल से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एंड कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।